स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में जानेंगे अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं तो किस तरह से एक ईमेल आईडी को क्रिएट किया जाता है, किस तरह से यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया जाता है, यूट्यूब चैनल के लिए किस तरह से लोगो बनाया जाता है और किस तरह से चैनल के लिए आर्ट बनाया जाता है और यूट्यूब की सारी सेटअप कैसे किया जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल सेटिंग कैसे किया जाता है, इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद YouTube की सारी सेटिंग आपको मालूम हो जाएगा, सारी सेटिंग जान जाएंगे, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी एक YouTube चैनल की सारी सेटिंग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास पहले से ईमेल आईडी है तो इससे अच्छा होगा कि आप एक नया ईमेल आईडी क्रिएट कर लें। चलते मोबाइल को होम स्क्रीन पर, किस तरह से ईमेल आईडी क्रिएट करना है और किस तरह से ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद YouTube चैनल को क्रिएट करना है। गाइस आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन। सबसे पहले आप जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना है। इस वाला आइकन में आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस वाला आइकन को क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद इस तरह से शो हो जाएगा अनदर अकाउंट। सिंपली ऐड अनदर अकाउंट में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक इंटरफेस आएगा। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है, आपको गूगल इस वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से एक इंटरफेस शो होने लगा है। ईमेल और फोन नंबर यहां मांग रहा है, तो आपको एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करना है। इसके लिए आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूं। क्रिएट अकाउंट में क्लिक करने के बाद माय बिजनेस, तो आपको फॉर माय सेल्फ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद फिर से एक इंटरफेस शो होने लगेगा। आप अपने चैनल का नाम क्या रखेंगे उसके हिसाब से आप यहां नाम रख दीजिए। मांगा तो मैं यहां टेक्निकल गुरु इंटर कर देता हूं। करने के बाद यहां नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से एक इंटरफेस शो होने लगेगा। आपको यहां मंथ डे और ईयर इंटर कर देना है। करने के बाद आपको मेल या फीमेल में सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहां नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। आपको यहां जीमेल एड्रेस क्रिएट कर लेना है। चलिए मैं जीमेल एड्रेस क्रिएट कर लेता हूं। चलिए मैं देता हूं टेक्निकल गुरु, उसके बाद नेक्स्ट करता हूं। यह पहले से ऑलरेडी है तो यहां बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहां टेक्निकल गुरु 289 ये शो हो रहा है तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूं। पासवर्ड रखना चाहते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। चलिए मैं कोई पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूं। तो गाइस मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। करने के बाद गाइस फिर से इंटरफेस आएगा, आपको एस में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एस में क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी क्रिएट हो जाता है। आप ईमेल आईडी को कैसे चेक करेंगे, इस वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। चलिए इस वाला ऑप्शन में फिर से आपको यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ शो होने लगेगा। इस तरह से शो होने लगा है। इसके बाद आपको यहाँ लिखना है youtube.com। YouTube चैनल क्रिएट करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ लिखना है youtube.com। सिंपली youtube.com इंटर कर देना है। करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। करने के बाद सर्च करने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट दिखाई देगा। सिंपली 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट कर देना है। करने के बाद इस तरह से एक इंटरफेस शो होने लगेगा। इस तरह से इंटरफेस शो होने लगेगा, आपको यहाँ शो करेगा फिर से इस वाला आइकन में, इस वाला लोगो में आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, आपको स्विच अकाउंट में क्लिक कर देना है। करने तो गाइस मैंने जो ईमेल आईडी क्रिएट किया वो ईमेल आईडी यहाँ शो नहीं हो रहा है। इसको उस ईमेल आईडी को शो करने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। चलिए मैं सेटिंग वाला ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। नीचे ऐप्स मैनेजमेंट रहेगा या ऐप्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ क्रोम ब्राउजर ऑप्शन है, या क्रोम ब्राउजर को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस शो होने लगता है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। स्टोरेज एंड कैच, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लियर स्टोरेज में क्लिक कर देना है और इसको क्लियर कर लेना है। जब तक यहाँ से क्लियर नहीं करेंगे वो ईमेल आईडी आपका क्रोम ब्राउजर में शो नहीं होगा, आप यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। देखिए दोस्तों जैसे ही क्रोम ब्राउजर को ओपन किया इस तरह से आने लगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। सिंपली एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों सिंपली इसको यहाँ आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ जितने भी ईमेल आईडी है सब शो होने लगा। दोस्तों नया ईमेल आईडी पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं नया ईमेल आईडी पे क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद इसमें
यस कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों आप क्रम ब्राउजर में ये शो होने लगेगा। तो गाइस फिर से आपको क्रम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। करने के बाद यहाँ लिखना है, टाइप करना है youtube.com। तो सिंपल है दोस्तों, मैं youtube.com पे क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद इस तरह से एक इंटरफेस शो होने लगेगा, आपको यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं थ्री डॉट पे भी क्लिक कर देता हूँ। चलिए थ्री डॉट पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है और इसको डेस्कटॉप सेट कर लेना है। डेस्कटॉप सेट करने के बाद इस तरह से फिर से एक नया इंटरफेस शो होने लगेगा। आपको यहाँ ईमेल आईडी का लोगो दिखाई देगा, सिंपली आपको ईमेल आईडी का लोगो पे क्लिक कर देना है। करने के बाद क्रिएट चैनल यहाँ शो करेगा, क्रिएट चैनल, तो क्रिएट चैनल पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से शो होने लगेगा। आप अपना चैनल का नाम रख सकते हैं, टेक्निकल गुरु रख देते हैं। रखने के बाद ओके कर देते हैं। सर टेक्निकल गुरु मेरा चैनल का नाम रख गया है। अब उसके बाद आप यहाँ दिखाई देगा कस्टमाइज, तो गाइस कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह से फिर से एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से एक नया इंटरफेस शो हो गया है और यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, कौन से ऑप्शन, कौन सी सेटिंग, कौन से कार्य के लिए है, क्या काम करता है, हम पूरा ऑप्शन के बारे में विस्तार से बता देते हैं, एक एक करके बताएंगे। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं और यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन शो करने लगते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम इंटरनल और एक्सटर्नल सेटिंग के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले हम पहला वाला ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। पहला वाला ऑप्शन है डेस्कटॉप, चैनल डेस्कटॉप में क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यहीं से आप देख सकते हैं अपने चैनल की एक्टिविटीज़ को, यहीं से आप देख सकते हैं आपके कौन सा वीडियो क्या परफॉर्म किया है, कितने व्यू आए हैं, कितने सब्सक्राइबर आए हैं और कितनी अर्निंग हुई है। आप चैनल डेस्कटॉप में हर सब कुछ देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है वीडियोस का, यहीं से आप देख सकते हैं कि अब तक आपने कितने वीडियो अपलोड किए हैं और यहीं से आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन ऐड करना, टाइटल ऐड करना और टैग ऐड करना, यहीं से आप अपने वीडियो को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा नंबर प्लेलिस्ट का है, आप अपने वीडियो के हिसाब से अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए चौथा नंबर पे आ जाते हैं, फटाफट बता देते हैं चौथा नंबर पे क्या है। चौथा नंबर पे है चैनल एनालिटिक्स का, आप यहां से देख सकते हैं कि आपके चैनल पे पिछले 28 दिनों में कितने व्यू आए हैं, या पिछले 6 महीना में, या पिछले 1 साल में, या किसी भी समय में आपके कितने व्यू आए हैं, कितने सब्सक्राइबर आए हैं और कितनी अर्निंग हुई है, एनालिटिक्स में देख सकते हैं। चलिए हम पाँचवा नंबर पर आ जाते हैं, यहाँ कमेंट्स का ऑप्शन आता है, आप यहीं से किसी कमेंट का रिप्लाई देख सकते हैं और किसी कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद छठा नंबर पे आते हैं, छठा नंबर पे है चैनल सबटाइटल्स का, आप अपने वीडियो में सबटाइटल्स लगा सकते हैं। चलिए हम सातवां नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ है कॉपीराइट का, अगर आपके चैनल में कोई कॉपीराइट आया है तो यहाँ शो करने लगेगा। चलिए मैं और इंपॉर्टेंट सेटिंग बता देता हूँ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आठवां नंबर पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये चैनल मोनेटाइजेशन का, ये यहीं से देख सकते हैं अपने चैनल के मोनेटाइजेशन का स्टेटस, यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम लाना है, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको फिर से यहाँ आपको शो करेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करना है, हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। सिंपली कस्टमाइजेशन में क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप ब्रांडिंग का ऑप्शन, सिंपली आपको ब्रांडिंग में क्लिक कर देना है। यहाँ ब्रांडिंग में क्लिक कर देना है, यानी कस्टमाइजेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ब्रांडिंग में क्लिक कर देना है। ब्रांडिंग में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से शो हो जाएगा, आप अपने चैनल का लोगो लगा सकते हैं यहाँ से और अपना चैनल का बैनर लगा सकते हैं, यानी आर्ट लगा सकते हैं। तो चैनल का कैसे लोगो लगाया जाता है चलिए हम बता देते हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस अपने चैनल का लोगो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, पिक्स आर्ट, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मेरा पहले से इंस्टॉल है, मैं इसे डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह से एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा, आपको यहाँ दिखाई देगा बहुत सारे ऑप्शंस, आपको नीचे दिखाई देगा प्लस वाला आइकन, सिंपली आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ प्लस वाला आइकन शो करेगा, सिंपली आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा, वुड यू लाइक टू क्रिएट, तो इस यहाँ बहुत सारे ऑप्शन शो करने लगेगा, आपको सिंपली इस वाला ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है। एडिट फोटो, सिंपली आपको एडिट फोटो में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा, इस तरह से आपको सिंपली इस वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। सिंपली इसमें बैकग्राउंड वाला इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा, यहाँ बहुत सारे कलर्स शो करेंगे, आपको आप कोई सा भी कलर्स
अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इस वाला कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद इस तरह से नया इंटरफेस हो जाएगा और यहाँ नीचे देखना है आपको बहुत सारे ऑप्शन शो करेगा। नीचे आपको यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं टेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। चलो टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे मेरा चैनल का नाम है टेक्निकल गुरु, तो हम यहाँ टी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। टी लेटर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन शो हो जाएगा। होने के बाद आपको यहाँ, तो गाइस अपना मर्जी से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना भी रख सकते हैं, इसको मार्जिन कर लीजिए। करने के बाद इस तरह से यहाँ फिर बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, चेंज कर सकते हैं, रेड रख सकते हैं या ब्लू रख सकते हैं। चलो हम रेड रखने के बाद यहाँ स्ट्रोक लगा देते हैं इस पर, थोड़ा यहाँ स्ट्रोक वाला ऑप्शन दिखाई देगा, स्ट्रोक लगा देते हैं इस पर। चलिए मैं इसको स्ट्रोक लगा देते हैं। और ब्लैक करने के बाद यहाँ शैडो वाला ऑप्शन में आते हैं, इसमें थोड़ा शैडो लगा देते हैं। शैडो लगाने के बाद इस पर ओके कर देते हैं। चलिए इसको यहाँ कर देते हैं। करने के बाद यहाँ फिर से यहाँ ओके कर देते हैं। करने के बाद फिर से हम टेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाते हैं। टेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाने के बाद हम जी दे देते हैं। यहाँ जी देने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी मार्जिन कर लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा मार्जिन कर लेते हैं। मार्जिन करने के बाद इसमें भी कलर डाल देते हैं। चलिए इसमें भी रेड कलर डाल देते हैं। रेड कलर डालने के बाद इसमें थोड़ा स्ट्रोक लगा देते हैं। ये वाला स्ट्रोक यहाँ ऑप्शन शो करेगा, सिंपली स्ट्रोक में आपको क्लिक कर देना है। चलिए स्ट्रोक इसमें लगा देते हैं। चलिए इसमें वाइट स्ट्रोक लगा देते हैं। आप कोई सा भी स्ट्रोक यहाँ इसमें लगा सकते हैं। चलिए इसमें हम वाइट स्ट्रोक लगा देते हैं। वाइट स्ट्रोक लगाने के बाद इस तरह से यहाँ ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा शेप मास्क का, सिंपली शेप मास्क पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको शो करेगा इस वाला, थोड़ा सा दिखाई देगा यहाँ, इसको आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इस तरह से हो जाएगा, इसको इसमें मैनेज कर देना। चलिए इसको मैनेज कर देते हैं। मैनेज हो गया। होने के बाद आपको यहाँ फिर से क्लिक कर देना। चलिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर बॉर्डर वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। बॉर्डर वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इस तरह से शो हो जाएगा। इस तरह से शो हो जाएगा। आपको इनर में इस तरह से थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद आपको नीचे वाला ऑप्शन में आपको इसमें गोल कर दीजिए। चलिए इसमें गोल कर देते हैं। करने के बाद ये मेरा चैनल लोगो बन गया। बनने के बाद यहाँ आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद चलिए मैं इसे ओके कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। चलो डाउनलोड करने के बाद यहाँ सेव का ऑप्शन आएगा। चलिए इसे हम सेव कर देते हैं। क्लिक करके सेव वाला ऑप्शन में क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ से फोटो वाला ऑप्शन में जाके सेव कर लेते हैं और इसमें डन कर देते हैं। तो ये मेरा सेव हो गया। चलिए हम एंड गाइज मैं लोगो बना चुका हूँ। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है अपलोड का, सिंपली अपलोड वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। चलिए मैं अपलोड वाला ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ दिखाई देगा लोगो, जो लोगो बनाए हैं वो लोगो दिखाई दे रहा है। चलिए मैं लोगो वाला ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ डन कर देते हैं। डन करने के बाद और इसके बाद यहाँ डन कर देते हैं। करने के बाद दोस्तों ये चैनल, मेरा चैनल का लोगो यहाँ लग गया। लगने के बाद यहाँ हम क्या करते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं। चलिए हम इसको पब्लिश वाला ऑप्शन में क्लिक करके पब्लिश कर देते हैं। मैं इसको अपलोड कर चुका हूँ। करने के बाद गाइस यहाँ चैनल बैनर कैसे बनाया जाता है, चलिए इसे भी हम शॉर्टकट में सिखा देते हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, कैनवा एप्लीकेशन, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मैं कैनवा एप्लीकेशन को, मेरा प्ले से इंस्टॉल है, मैं डायरेक्ट से ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस मैं कैनवा एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ सर्च कर लेना है यूट्यूब बैनर, इस तरह से आ जाएगा यूट्यूब बैनर। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यूट्यूब बैनर यानी यूट्यूब आर्ट का ऑप्शन बहुत सारे आ जाएगा, आप यहीं से ले सकते हैं। चलिए मैं किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद इस तरह से आएगा। तो गाइज आपको यहाँ डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद कीपैड आ जाएगा, आप यहाँ अपना चैनल का नाम डाल दीजिए। चलिए मैं इसे चैनल का नाम डाल देते हैं, टेक्निकल गुरु दे देते हैं। उसके बाद इस वाला ऑप्शन जो छोटा वाला है यहाँ आप दे सकते हैं या इसको डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद
तो गाइज यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, करने के बाद यहाँ गाइज यहाँ दिखाई देगा। सिंपली गाइज आपको यहाँ डाउनलोड वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। चलिए मैं इसे डाउनलोड वाला ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से ये मेरा डाउनलोड हो रहा है। गाइज मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो सिंपली मैं अपलोड वाला ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। चलिए अपलोड वाला में क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए गाइज, तो मैं जो बैनर बनाया था यहाँ आ गया है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ ओके कर देते हैं। चलिए इस पर डन कर देते हैं। डन करने के बाद गाइज ये मेरा देखिए गाइज यहाँ मेरा ये बैनर लग गया। लगने के बाद यहाँ फिर से यहाँ पब्लिक वाला ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। चलिए गाइज वीडियो को ध्यान से देखिए गाइज, जो समझ में कुछ नहीं आएगा। बैनर लग चुका है, पब्लिश हो चुका है। उसके बाद गाइज बैनर लगने के बाद यहाँ बैनर लग चुका है, पब्लिश हो चुका है। तो गाइज और एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देना है, चल बेसिक वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना। चलिए मैं बेसिक वाला ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने चैनल का, तो चलिए मैं चैनल का डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने चैनल का डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया है। देखिए गाइज इस तरह से दिखाई देगा, टेक्निकल गुरु एक ऐसा यूट्यूब चैनल है। तो इस तरह से हमने चैनल का डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिए हैं। करने के बाद गाइज यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं गाइज, आप यहाँ बिजनेस इंक्वायरी के लिए एक ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। याद रहे जो जिस ईमेल आईडी से आपका चैनल बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, वो ईमेल आईडी यहाँ नहीं डालें तो बेहतर रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद यहाँ फिर से पब्लिश वाला ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। चलिए मैं पब्लिश वाला ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं, इस पर टिक कर देते हैं। ये पब्लिश हो चुका है गाइज। यहाँ जितने भी ऑप्शन शो कर रहा था पूरा ऑप्शन के बारे में हमने बता दिए, और किस तरह से इसको ऐड करना है, किस तरह से सेटिंग करना है। आपको और एक दो सेटिंग कर लेना है अपने चैनल का। तो फ्रेंड्स आपको नीचे दिखाई देगा एक सेटिंग वाला ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेटिंग है। सिंपली यहाँ आपको सेटिंग वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना। चलिए मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरह से एक नया इंटरफेस हो जाएगा जनरल का। यहाँ US डॉलर ये सही है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद आपको चैनल में आ जाना है, इस वाला घर में आ जाना है। चैनल वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक इंटरफेस हो जाएगा। ये बेसिक इन्फो में कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ एडवांस सेटिंग को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ तीन ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों आप जो वीडियो बना रहे हैं, जो अपने चैनल खोले हैं, वो बच्चे के लिए है या नहीं है। तो अगर बच्चे के लिए नहीं है, बच्चे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अगर आपका चैनल चलने लगा तो बहुत कम पैसा मिलेंगे। तो इसीलिए आप यहाँ दो नंबर ऑप्शन में क्लिक करके रख दीजिए। यहाँ पे क्लिक करना है, और करने के बाद आपको फिर से नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ जो ऑटोमेटिक कैप्शन लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस वाला ऑप्शन में आ जाना है, फीचर एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आता है, यहाँ इनेबल किया गया है। और ये जो सेकेंड ऑप्शन है इंटरमीडिएट फीचर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, जब तक ये इनेबल नहीं करेंगे, ये मोबाइल नंबर से आप अपना चैनल को वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आप 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते हैं, और कस्टमाइज थंबनेल नहीं लगा सकते हैं, लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर सकते हैं। नंबर वेरिफिकेशन करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है, नंबर वाला भी इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थ्री डॉट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर, आप यहां इंडिया सेलेक्ट करना है, इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आप यहां मोबाइल नंबर यहां इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद वहां एक OTP आएगा आपको मोबाइल नंबर पे, और ये इनेबल हो जाएगा। कैसे इनेबल किया जाता है हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही सेटिंग बताएंगे। अगर इस सेटिंग को बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद इसको कैंसिल कर देते हैं। चलिए इसको कैंसिल करने के बाद इस सेटिंग वाला ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद गाइज अपलोड बाय डिफॉल्ट में क्लिक कर देते हैं। चलिए अपलोड बाय डिफॉल्ट में क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एडवांस में क्लिक कर देना है। एडवांस में क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ दो ऑप्शन शो कर रहा है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन। इनमें सेलेक्ट करने के बाद अगर इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके वीडियो को कोई यूज़ नहीं कर सकता है, आप उसे कॉपीराइट आसानी से मार सकते हैं। और क्रिएटिव कॉमन यूज़ करते हैं, अगर इसको रखते हैं तो आपकी वीडियो को कोई यूज़ कर सकता है, और आपके वीडियो को अपलोड भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ कैटेगरी में आप, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन कैटेगरी का है, कॉमेडी का है, या टेक का, टेक्निकल गुरु, यानी आपका चैनल टेक का है। तो यहाँ सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, तो आप इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन हो जाता है वीडियो लैंग्वेज। सिंपली वीडियो लैंग्वेज पे क्लिक करना है और अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। चलिए मेरा लैंग्वेज हिंदी है, तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद इस तरह से बस इतना ही सेटिंग करना है। इतना सेटिंग करने के बाद यहाँ सेव कर देना है। तो
तो गाइस आप अपने यूट्यूब चैनल की सेटिंग को इस तरह से कर सकते हैं आसानी से अपने मोबाइल से। उसके बाद जो भी सेटिंग बन जाता है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट से जरूर बताइएगा, और जो जो भी भाई को समझ में नहीं आया वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम फिर विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे।